सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर द क्रिकेट फैंस, और जो क्रिकेट फैंस नहीं है, जो खाली आईपीएल फैंस है, जो खाली आईपीएल देखते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी खबर है कि जो आईपीएल है वो 29 मार्च को नहीं, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू कोरोना वायरस। 15 अप्रैल के आसपास अब जो हमारा आईपीएल है वो स्टार्ट होगा। मैच उतने ही होंगे लेकिन कोई क्राउड इंक्लूड नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तक यही पता लगा है कि कोई क्राउड इंक्लूड नहीं होगा। बिकॉज जो अगर दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली में भी यही कहा गया, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र तीनों की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि अगर आपको मैच कराने हैं, और अगर मैच कराने हैं तो कोई क्राउड इंक्लूड नहीं होगा। बिकॉज कोरोना वायरस के कारण जितनी ज़्यादा गैदरिंग होगी उतनी ज़्यादा कोरोना वायरस फैलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सो इस कारण से गैदरिंग नहीं होगी, सो मैच उतने ही होंगे, सब कुछ उतना ही होगा। जो 23 मई को जो टूर्नामेंट एंड होने वाला था, अब वो 7 डेज और एक्सटेंड कर दिया गया है। सो ये भी हो सकता है कि अब जो डबल हेडर जो खाली संडे को होने थे वो और सैटरडे को भी हों, बिकॉज मैच बराबर होंगे, मैच उतने ही होंगे और उसी हिसाब से होंगे। सो सैटरडे और संडे वापस से पुराना वाला रूटीन लग सकता है। सैटरडे संडे को डबल हेडर हो सकते हैं, यानी एक दिन में 2 मैच, और वेन्यू कम हो सकते हैं। बिकॉज अगर एक टीम की मैं बात करूं, जैसे चेन्नई की बात करूं, तो 2 से 3 स्टेडियम तो होते ही हैं, लेकिन अब ताकि इन्वॉल्वमेंट कम हो और प्लेयर को कम ट्रैवल करना पड़े, तो उसकी वजह से जो वेन्यू है वो भी कम हो सकते हैं, लेकिन बड़ी सिटीज़ में सारे वेन्यू रहेंगे। सो इस समय की सबसे बड़ी न्यूज़ यही थी जो मैंने आपको दी। और कोरोना वायरस से काफ़ी कॉलेजेस में भी छुट्टी हो चुकी है, लेकिन हमारा कॉलेज अभी तक ओपन है। सो मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बिकॉज मैं वेट कर रहा था कि कब धोनी आएगा और कब धोनी खेलेंगे, कब धोनी अपना वापस जलवा दिखाएंगे। धोनी, रोहित शर्मा दोनों नहीं खेल रहे, काफ़ी टाइम हो गया है। सो चलो, वी होप सो, अब अच्छे के लिए हम वेट कर सकते हैं। सो ये गवर्नमेंट का एक स्टेप था, सो गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा स्टेप था, क्योंकि कोरोना वायरस वैसे भी पूरा वर्ल्ड वाइड फैल चुका है। अब चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की अभी जो मैच चल रही है उसमें भी कोई क्राउड इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, PSL में भी कोई क्राउड इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पाकिस्तान सुपर लीग में वहाँ से भी क्राउड हटा दिया गया है। सो पूरे वर्ल्ड वाइड में फैल चुका है। सो टेक केयर गाइज, अपना ध्यान रखें, कोरोना वायरस से बचे रहें। और कोरोना वायरस की मैंने एक वीडियो भी बनाई है, डिटेल वीडियो, तो वो भी आप देख सकते हैं। सो IPL अब 15 अप्रैल के आसपास होगा। सो आज की खबर यही थी, तो ऐसी स्टे ट्यून विद अनिकेत शर्मा, ऐसी प्यार दिखाते रहें, एंड जो फिट है वो हिट है, और काम करते रहो, काम में नहीं कमी होनी चाहिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।